नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। समाजवादी पार्टी ने 81 वर्षीय माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। माता प्रसाद पांडे पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और 7 बार इटावा से विधायक भी रह चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि वे पुराने समाजवादी और मुलायम सिंह यादव के साथी भी रहे हैं। इसके अलावा महबूब अली, कमाल अख्तर और राकेश वर्मा को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। नेता विपक्ष का पद पहले खुद अखिलेश यादव के पास था, लेकिन लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित होने की वजह से उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पद घर में रहेगा या बाहर वाले को मिलेगा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की जगह बुजुर्ग माता प्रसाद पांडे को चुना है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसे ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि इस चुनाव पर मायावती ने अखिलेश यादव की आलोचना की है, वहीं सहयोगी कांग्रेस इसे समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मसला बता रही है और इस फैसले की तारीफ कर रही है। माता प्रसाद पांडे प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आते हैं और 7वीं बार विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं और इटावा से विधायक हैं। वे पहली बार 1980 में लोकदल से विधायक चुने गए थे, फिर कई बार विधायक रहे। साल 2002 से वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, सिवाय 2017 में जब वो चुनाव हार गए थे। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब वो विधानसभा के स्पीकर थे और फिर अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकाल में उन्हें स्पीकर का पद दिया था। कांग्रेस के पूर्व MLC और गांधी परिवार के करीबी दीपक सिंह ने इस फैसले की तारीफ की और कहा कि अच्छा फैसला है और उनके अनुभव का लाभ विपक्ष को मिलता रहेगा। जनता के सरोकार के मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाएंगे। जहां तक PDA का फॉर्मूला है, इंडिया अलायंस हमेशा दबे हुए समाज के उत्थान के लिए काम करता रहेगा। मानसून सत्र के पहले दिन UP की विधानसभा में पांडे की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बाढ़, कानून व्यवस्था, बिजली की किल्लत का मसला उठाया और बेल तक गए। इससे पहले माता प्रसाद पांडे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। समाजवादी पार्टी के 2 ब्राह्मण विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले बगावत कर चुके हैं। इसमें उच्चहार से विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे BJP समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में और अंबेडकर नगर से दूसरे विधायक राकेश पांडे ने भी राज्यसभा चुनाव में पाला बदल लिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका काफी प्रभावशाली रही है, इस कारण चुनाव में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12-14% वोट ब्राह्मणों का है, साथ ही ये करीब 115 विधानसभा सीटों पर प्रभावशाली संख्या में है। वहीं तकरीबन 12 जिलों में ये 15% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 21 मुख्यमंत्री हुए हैं जिनमें 6 ब्राह्मण रहे हैं। 3 बार नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उनके बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पिछड़ी जाति से थे, जबकि राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं। राम प्रकाश गुप्ता वैश्य थे, वहीं मायावती दलित समाज से आती हैं। मायावती ने कहा, सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में PDA को गुमराह करने का वोट जरूर ले लिया है, लेकिन UP विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता बनाने में इनकी उपेक्षा की गई है। ये भी सोचने की बात है, जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर PDA के लिए कोई जगह नहीं है। ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकारों में इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है। वे आंसू से छिपा नहीं है, वास्तव में इनका विकास व उत्थान केवल BSP सरकार में ही हुआ है। अंततः ये लोग जरूर संविधान सावधान रहे। दरअसल मायावती को 2007 के विधानसभा चुनाव में इस समाज का वोट मिला था और कई दशक के बाद प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी थी, जिसके बाद इस समाज ने BJP की तरफ रुख कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं, कहाँ है PDA फॉर्मूला?
शिवपाल सिंह यादव को इसलिए किनारे लगाया गया क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उनको कोई चुनौती दे पाए, इसीलिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया गया है जिनकी राजनीति खत्म हो गई है। जबकि शिवपाल सिंह के नेता विपक्ष रहने के बाद 2012 में समाजवादी पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान बीजेपी और बीएसपी के इस सवाल को जायज नहीं मानते हैं। वो कहते हैं माता प्रसाद पांडे का चयन एकदम सही है क्योंकि ये समाजवादी मूल्यों के पैरोकार करने वाले नेता हैं और बहुत ही अनुभवी हैं। समाजवादी पार्टी के विरोधी हर बात का मुद्दा बनाते हैं, अगर किसी और को बनाते तो भी सवाल खड़ा करते, अगर दलित को बनाते तो पूछते पिछड़े को क्यों नहीं बनाया, और अगर पिछड़े को बनाते तो पूछा जाता कि दलित को क्यों नहीं बनाया। जबकि समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जैसे कद्दावर नेता रहे हैं और पार्टी हमेशा समाजवाद की ही राजनीति करती रहेगी, चाहे बीजेपी को अच्छा लगे या ना लगे। मायावती और बीजेपी की आलोचना के उलट समाजवादी पार्टी बेपरवाह है। पार्टी का कहना है कि पीडीए के फॉर्मूले पर पार्टी चल रही है, अगर माता प्रसाद पांडे विपक्ष के नेता हैं तो पार्टी में इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर जैसे नेता हैं, कमाल अख्तार सचेतक तो राकेश वर्मा उप मुख्य सचेतक हैं। पीडीए का एजेंडा फीका नहीं पड़ा है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने इस समाज को ये मैसेज दिया कि जो लोग बीजेपी को नापसंद करते हैं वो कांग्रेस में ना जाए बल्कि सपा में आ जाए, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मणों का अब बीजेपी से दूर होना शुरू हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को ना मिले। 1931 के जनगणना के हिसाब से ये समाज अल्पसंख्यक के बाद दूसरे नंबर पर है। जहां तक शिवपाल यादव को ना बनाने का प्रश्न है, उसकी वजह यह है कि शिवपाल जब अखिलेश से अलग थे तो योगी की कई बार तारीफ कर चुके हैं, हालांकि उनकी हैसियत सदन में कम नहीं होगी। लखनऊ में यूपी की राजनीति के विशेषज्ञ माने जाने वाले शरद प्रधान का कहना है माता प्रसाद पांडे ओल्ड टाइमर है और वो समाजवादी पार्टी को गहराई से समझते भी हैं, इसीलिए उनको बनाने का मकसद एक बैलेंस बनाना है और अपर कास्ट को खासकर ब्राह्मण को एक मैसेज भी देना है कि समाजवादी पार्टी में उनके लिए जगह है। वहीं पीडीए में इसको लेकर बीजेपी एक भ्रम फैलाना चाह रही है, जबकि पीडीए का फॉर्मूला अभी समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया था, हालांकि कई बार अखिलेश ने इस नारे की परिभाषा बदली है, लेकिन फोकस इन तीन समुदाय के लोगों पर रहा है। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिला है। इस साल हुए लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। जानकार मानते हैं कि इस सीट में पीडीए फॉर्मूले की खासी भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है और सिर्फ 33 सीट जीत पाई। चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही राज्य में ओबीसी वोट के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रस्साकसी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको फिर से पाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ने 29 जुलाई को ओबीसी मोर्चा की बैठक बुलाई है। 80-90 के दशक में पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी जैसे बाहुबली नेता का वर्चस्व था, वहीं ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही इसकी काट के तौर पर थे, लेकिन शाही की हत्या के बाद तिवारी का वर्चस्व कायम रहा। बीच में जब वीर बहादुर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके विरोधियों ने हरिशंकर तिवारी को राजनीति में आगे बढ़ाया। बाद में अमरमणि त्रिपाठी ब्राह्मणों के नेता के तौर पर उभरे, लेकिन तिवारी की मौत और त्रिपाठी के जेल जाने के बाद इस इलाके में ब्राह्मण कमजोर हो गए। योगी आदित्यनाथ के मठ से राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकरों का वर्चस्व राजनीति में बढ़ा है, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इसे नहीं मानते। वे कहते हैं जहां तक ब्राह्मण बहुल्य सीटों की बात है, देवरिया कुशीनगर गोरखपुर डुमरियागंज और गोंडा जैसी सीटें बीजेपी के पक्ष में हैं और अब कोई ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। पीडीए का सिर्फ अलाप हो रहा है कि कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है तो कभी अगड़ा, इसीलिए पार्टी में ही भ्रम है।
सिद्धार्थ नगर की लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती है, जहां से पांडे जी भी आते हैं। इस सीट पर ठाकुर जगदंबिका पाल ने ब्राह्मण कुशल तिवारी को हराया, जो हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले समाजवादी पार्टी बीजेपी की अगड़ी जातियों के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के काट के लिए पिछड़ी जातियों का वोट फिर से वापस लाने के लिए लगातार कवायद कर रही है। अब ऐसे में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा मानसून सत्र के लिए नेता प्रतिपक्ष चुना, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव यहां पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सबको हैरान कर दिया है, सबको चौंका दिया है। अब जिस प्रकार से सभी लोगों का ये मानना है कि अखिलेश यादव ने आखिरकार ये निर्णय किस लिए लिया, तो जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जानबूझकर या ना चाहते हुए भी चाचा शिवपाल यादव को एक बड़ा झटका दे दिया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।